हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, किंगडम मोनेरा के बारे में थोड़ा सा, और बैक्टीरिया को पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे आज आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक पढ़ेंगे और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़ेंगे। हम लोग ये सब आज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम लोग आर्किबैक्टीरिया से शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया के स्पेशल फीचर क्या होते हैं, हमें इन्हें याद क्यों करना है, क्यों समझना है, हमें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया जो है वो सबसे स्पेशल कैरेक्टर उनका ये है कि वो जो होते हैं मोस्ट हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं। These bacteria are special live in the most harsh habitats such as the extremely salty areas. तो सबसे important feature सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये harsh habitat में पाए जाते हैं। Extreme, हर चीज़ extreme में होती है तब ये survive करते हैं। तो extreme salty areas में halophiles होते हैं, hot springs में thermoacidophils होते हैं, marshy areas में methanogens होते हैं। फिर से देखिएगा, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में हेलोफाइल्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मासोडोफिल्स होते हैं, मार्शी एरियाज़ में मिथेनोजेंस होते हैं। और ये पाए जाते हैं गट ऑफ द र्यूमिनेंट एनिमल, काऊ एंड बफेलो। र्यूमिनेंट एनिमल मतलब जुगाली करने वाले जानवरों के गट में ये पाए जाते हैं। गट ऑफ द र्यूमिनेंट एनिमल काउज एंड बफेलोज। दीज डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो ये डिफर क्यों होते हैं, इनका ये फीचर है कि इन डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसकी वजह से ये अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। दिस फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। और इसी की वजह से, डिफरेंट सेल वाला स्ट्रक्चर की वजह से, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज द एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मोसिनोफाइल्स, मार्सी एरियाज, मीथेनोजेंस एंड गट ऑफ द र्यूमिनेंट एनिमल काउ एंड बफेलोज। These differ from other bacteria in having a different cellular structure. This feature is responsible for their survival in extreme condition. बस आज की बैक्टीरिया इतना ही लर्न करना है आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। यू मतलब होता है ट्रू, तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनके स्पेशल फीचर क्या होते हैं? इनके स्पेशल फीचर होते हैं कि इनमें रिजर्व सेल वॉल पाई जाती है। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इनमें रिजल्ट सेल वॉल पाई जाती है। ये मोटाइल होंगे अगर, तो इनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया हैव द क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ग्रीन दिखते हैं। और ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। जैसे कि प्लांट होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, वैसे ये भी होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बीजे भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी कहलाती है। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो ये साइनोबैक्टीरिया के फीचर याद रखनी है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी कहलाते हैं। ये कॉलोनी जो होती है साइनोबैक्टीरिया की, वो सराउंडेड होती है एक शीत से, जो होती है जिलेटिनस शीत। तो जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी होती है वो सराउंडेड होती है जिलेटिनस शीत। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीत। जो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम कॉज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम कॉज करते हैं, और ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। और इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल सेल होती है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल सेल होती है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। वो नॉस्टॉक और एनोविना इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। किस में प्रेजेंट होती है? नॉस्टॉक और एनोविना में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है। और होती किस लिए हेट्रोसिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसिस्ट जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसे हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और नॉस्टॉक और एनोविना में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है और साइनोबैक्टीरिया में मेनली प्रेजेंट होती है। तो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं।
ये जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। तो ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी बैक्टीरिया भी होते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं किसे किसे ऑक्सीडाइज करते हैं, ये वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। याद रखिएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसका जो इन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। और जब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ ये लोग एटीपी फॉर्मेशन में करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट नाइट्राइट्स अमोनिया एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं किसे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, और उससे रिलीज होने वाली एनर्जी का यूज़ एटीपी प्रोडक्शन में करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, और ये जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे प्लांट जो होते हैं वो मतलब न्यूट्रिएंट ले पाए एब्जॉर्ब कर पाए मिट्टी से। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन और सल्फर, इन सब की रिसाइकलिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिससे प्लांट इन्हें एब्जॉर्ब कर पाए मिट्टी से। ओके फ्रेंड्स, यू बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिफाइन करना है तो हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर याद रखेंगे वो क्या क्या हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होते हैं, और ये जो होते हैं इनकी जो मेजर कैटेगरी होती है वो डिकम्पोजर की होती है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होते हैं, इनकी जो मेजर कैटेगरी होती है वो डिकम्पोजर की होती है। एनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स में भी इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, और ये कर्ड को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं, दवाओं के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये याद रखिएगा दही बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, दवाई बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। और लेग्यूम प्लांट में रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही रोल प्ले करते हैं। तो ये फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सम बैक्टीरिया आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज इन ह्यूमन बींग्स क्रॉप फार्म एनिमल एंड पेट्स। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पैथोजन कॉज कर देते हैं ह्यूमन बींग्स में क्रॉप में फार्म एनिमल जैसे पोल्ट्री फार्म इन सब में और पेट्स घरेलू जानवरों में, ये सब कुछ डिसीज़ पैथोजन कॉज कर देते हैं। और अब इनकी जो डिसीज़ हैं जो हमें याद करनी है वो है ह्यूमंस में ये कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं वो देखिए, कॉलेरा टाइफॉइड और टिटनेस ये ह्यूमंस में कॉज करते हैं, कॉलेरा टाइफॉइड और टिटनेस ये डिसीज़ ह्यूमंस में कॉज करते हैं। और प्लांट में जो होते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो सिट्रस कैंकर कॉज करते हैं प्लांट में। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके से करते हैं मेनली, लेकिन जो इनका जो मेनली रिप्रोडक्शन है वो फिजन के द्वारा होता है, बैक्टीरिया का मेनली रिप्रोडक्शन फिजन के द्वारा होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं, और शॉर्ट ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं, और मेनली इनका रिप्रोडक्शन फिजन से होता है। तो आपको ये याद रखना है मेनली फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तब ये स्पोर्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर करके भी ये रिप्रोड्यूस होते हैं, और ये जो होता है इसे शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो मेनली हमें किस मेनली जो रिप्रोडक्शन का मेथड इनका वो क्या है, फिजन है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, और एक एक्स्ट्रा मेथड इनका शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें ये क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेथड को यूज़ करते हैं। तो प्रिमिटिव डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करके रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।